तुम्हारी अज्जी को गांव से यहाँ शिनोली फिल्म देखने 30 किलोमीटर दूर साइकिल पर बिठा के लाता था। वाओ, आई होप इट ज्यादा ना आए, नहीं तो पॉपकॉर्न कैसे खाऊंगी। लेकिन अगर कम आएगा तो चीज वाला खा सकोगी। तेरी सैंडल तो उतार दो, एग्जैक्ट वेट पता चलेगा। उतार दो, शुरुआत अच्छी है, फिर कपड़े भी उतार दो, एकदम बरोबर वेट मिलेगा। क्या बोला तू, क्या बोला, क्या बोला? सुना नहीं? उम्र के साथ तेरे कान भी पक गए क्या बूढ़े? अरे कपड़े उतरने को बोला भाई तुझे। काय करना रे तू, खुद तो ओवर टाइम में जी रहा है साला, माला मारना तू माता रे। हाउ डेयर यू, तुमने इन्हें हाथ कैसे लगाया? ऐसा हमारे गांव वालों को अगर पता चल गया तूने ऐसा किया है तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अच्छा, ए देखा तो जा, बुला जा बूढ़े, गांव वालों को बुला जा। फिल्म देखने गए थे, वहाँ कुछ गुंडों ने काव्या के साथ बदतमीजी की। मैंने उनको बोला कि अगर हमारे गांव की लड़की को छेड़ेगा ना कोई, खत्म हुई? नहीं साहब, अजून 5 मिनट बाकी है। गेट बंद कर। थांबा, थांबा। कोई जाएगा नहीं, रुकिए, यहीं रुकिए। ए रुको रुको रुको, इंक्वायरी करना है, रुको। किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है, हिम्मत असेल तर माझ्या समोर ये, बाहर ये। अरे लेकिन वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है, तुम्ही आम्हाला कशाला त्रास देता है? तेरी बीवी या बहन को कोई छेड़ेगा और तो पुलिस के पास जाएगा, तब मैं तेरे को बोलूंगा तेरा प्रॉब्लम है, मुझे क्यों घसीटता बीच में, तो कैसा लगेगा? चुपचाप खड़ा रहे वरना बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की वर्दी में तो कोई भी गर्मी दिखा सकता है, हाथ में गन हो तो चूहा भी शेर हो जाता है, दम है तो उसके बिना फिर बताता हूँ मैं कौन हूँ।
Ah!